लगा पूरी ताकत। हाँ तो लगा पूरी ताकत, लगा और जोर से। हाँ उसके औरत मर्द में मियां बीवी में झगड़े लगा रहे थे। हाँ क्या कर रहे थे आप? झगड़ो उसको तेज झगड़ो करो। झगड़ लो उसको तेज झगड़ो उसको। इस तरह पानी बोतल को स्प्रे वो लगाओ। झगड़ो उसके अंदर से आग लगाओ तेजी से। ये लगाओ वो मार दे रहो तेज से मारो झगड़ के। ये लगाओ رسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأغرقنا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجل البدن شيئا قدر مبيح كان وده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن اتخذ الله بالسبيل إن ربك يعلم أنك قد أخرجنا من سبيل بني إسرائيل والثلث والطائفة من الذين معك والله يختار الليل والنهار أجمل لن توصف التبليغ فاقرأ ما تيسر من القرآن أنا عليما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض لله وآخرون يقاتلون في سبيل فاخر ما ديثن أقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخرجوا الله خيرا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعز مجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। मारो उसको और मारो उसको, भागने मत दो उसको, मार मार के खत्म करो उसको तेजी से। आग लगा दो उसके अंदर तेज झगड़ो उसको। मासूम बच्ची है 5 साल से फिर ये खनन से आम है तेलंगाना। ये बच्चा 10 दिया था आया था तो बोला था कि मैं आया हूँ। कौन होते तुम्हारे नो? मेरा दोस्त है। इनो कौन है? ये मेरे बाजी है। अच्छा झगड़ो उसको तेज से। मारो उसको और तेज से मारो, झगड़ो उसको और तेज से, आंख लगाओ उसके अंदर, चलाओ उसके हाथों में तेजी से आंख लगाओ। और क्या बोलता था वो? और मैं यहाँ से आया दो जगह बोला लेकिन आज तक भी सही एड्रेस नहीं बोला। यहाँ से आया आज तक भी नहीं बोला। रगे रग फैल गया हूँ मैं, जलाना या बॉटल में करना तो बोला। और क्या बोलता था वो? मैं तो हिंदू हूँ वही बोलते भी बोला। कांच पे कपड़ा मारने लगाना हो, कांच कितना गलीज दिख रहा कैमरे में। और क्या बोलता था? आज तक भी सही एड्रेस नहीं बोला। कहां से आया? ये मम्मी है। अच्छा कौन कौन आया? और बेटा और छोटी बेटी है। मम्मी मैं 3। इनको कितने बच्चे? इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। शोहर कहाँ है उनके? शोहर उनके मम्मी के घर में। कई को ये बिछड़ा भी बोला। अच्छा चल रहे आप पूरी ताकत से ना लाया। मारो अब उसको कम बखत को, पानी पिलाओ दम करा के, उसके पेट में से भी आग लगाओ। कट करके निकलाओ, बात मत करो। इलाज कराया तो करेक्ट 15 दिन से ही है ना या महीना, फिर से तबीयत खराब होगा ना। उसके हाथ में आग लगाओ तेजी से। मुझे कोई भी क्या भी नहीं कर सकते। जलाओ जलाओ उसके हाथ में तेजी से आग लगाओ। बहरा बहरा। हाँ बोल, क्या बोल रहा? बहरा बहरा। क्या बहरा? खून बहरा। पूरा काट के भस्म कर देते तेको। पाप का राज चल रहा बसा किसके भी आंग में बैठने। कितने साल से परेशान कर रहा उसको? 30 साल। हाँ 30 साल से। बचपन में आंग में क्यों बोला? अरे कहाँ से आया था? बहुत झूठे बातें बोला, बहुत जगह। इतर लगाओ उसके नाक में दम करा के लेके। 8 साल की उम्र में से आ गए मैं। कैसा क्या आगा तू? इंसानों की दुनिया में क्या कर रहा तू? हाँ नालायक। कांच खोलो थोड़ी देर, रूप एसी बंद करो। बुलाओ बाहर से जंजीरा डालने वाली फौज को, उसको जंजीरा डाल के बन के मारेंगे उसको। वैसा लगा के जल्दी हटने का, खेलते नहीं बैठने का। वैसा पाओ को लगा इतर वो हटा दो, हट जाओ। ये लड़की मासूम सी थी। हाँ खेल रही थी। हाँ हमको पसंद आ गई। तो हम पैर पे से चढ़ के आ गए। आके हम किसी को ना बाहर पड़े, न जाते थे किसी के पास, न दरगाह जाते थे पहले, न ताबीज जलाते थे, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं छुप के रह गया अंदर। तब से ये कुरान पढ़ती है। पढ़ते 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 इस्तेमा के जाने लगी। और सूरह दुखान जब पढ़ने लग गई तब मैं सब मेरे को बददुआ दी थी, तो मैं बाहर आ गया। 70,000 फरिश्ते अस्तगफर बोल दिए तो रह नहीं पाया मैं। आँख में से पेट में आ गया, पेट में से आँख में आ गया। जलाओ उसको, नालायक को जलाओ उसको और तेजी से जलाओ उसको और तेजी से। झूठे बाता करता, और यहाँ बैठ के झूठे बाता करता। मारो उसके हाथ काट के ले लेंगे। अल्लाह की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा दिखा रहा हूँ। 8 साल की उम्र है तो बच्चे भी है। क्या बच्चे? उनके मासूम बच्चे बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चों को कौन मारा? उसके उसको जादू से मार दिए। कौन करा था वो? वो एक हिंदू करा था। जान मैंने नहीं ली, जान में औलाद की। क्यों लिया उन्होंने जान इसके बच्चे की? वो इसको कर दिया था, इसके बड़े शहर को कर दिया था जादू। तो बच्चे पे असर पड़ के गुजर गया। मैंने लिया जान इसका, इसके बच्चे के। क्यों करा था उन्होंने जादू? किसके कहने पे करा था? गुमान पे खाली। किस चीज का? मेरा पैसा खा ले रहे बोल के समझ के वैसा समझ लिया, मगर नहीं खाई। ये मेहनत की गवाही का है। कौन बोल रहा है? कौन जादूगर? मतलब ये एक ग्रेनेट में करे थे। जब जादू करे बोल बोले थे वो सही है झूठ है नहीं मानो। तो बोला जब सही है झूठ है। झूठ बोल रहा रे कमीने। ये बच्ची का जादू करते टाइम पे क्या लिख गए थे? कुछ भी नहीं, ला के नींबू नमक लगा दिए थे दरवाजे को। हाँ जब से बर्बाद। इसका क्या नाम है पेशेंट का? नसरीन। नसरीन बेगम का क्या लिए थे जादू चलाते टाइम पे? बाल कपड़ा मट्टी क्या चुन लिए जाके पीछे, चुन लिए जाके बाल। हाँ चुन लिए बाल, चुन लिए पीछे जाके। कहाँ गिरे थे बाला? घर के पीछे कचरा फेंकते जैसा। हाँ वहाँ चुन लिए जाके। फिर क्या करे थे बाल? ले जाके उनके आगे करा बुड्ढा बना के। हाँ फिर तेको कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रस्तान से? कब्रस्तान से लाए है, मिट्टी से। अच्छा फिर किस चीज में खिलाए थे? खिलाए नहीं, खाली करते हैं बैठ के। हुकुम दे के छोड़ दिए। वो भटक रहा। और क्या बीमारियां लगा के मारने वाला था तू इसको? नसरीन भी को बीमारी कुछ नहीं। फिर खाई के टीचा भोगने के। पेट में छलना। हाँ पेट में दवा अटकी आई है रे। चलाओ उसको, जलाओ जलाओ नालायक को। चलाओ अंदर से तेजी से आग लगाओ उसके। अरे मियाँ बीवी में झगड़े लगा दिया। मारो उसको और तेजी से मारो उसको। वो संसारा तोड़ रहे लोगों के, कमबख्तों, मारो उसको और मारो। कोई भी क्या भी नहीं कर सकते, इसका ले लेगा, कोई भी क्या भी नहीं कर सकते। और ऐसा बोलता था। डालो दुपट्टा डाल सिर पे सही तरीके से, मुंह पे वो रहना सही तरीके से, दुपट्टा डाल। ओढ़ने बड़े लाने नहीं आते कह रहे, और छोटे लाना था। और तावीजा निकालो गले में के पूरे वो। क्या करूँ रे तेरे साथ, बोल सुरख, मार के भस्म कर देना। देखो लोगों को बहुत कर रहा था तू परेशान। हाँ परेशान करने वाली, अरे पानी दम करके पिलाओ उसके पेट। दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या रास्ता? सिर्फ मुरीद बनाने के सिवा उसको। तब मेरा दिल हट जाएगा। क्या मुरीद बोल, कभी जिन बोल रहा, कभी साबित बोल रहा। हवरे वो जगह बोल रहा, ये जगह बोल रहा, चार जगह ये बात बता रहा। हवरे मजाक कर रहा हूँ लोगों के साथ में। काट के ले लू तेरे दोनों हाथा, बगैर हाथों का शैतान कितना अच्छा दिखेगा तू। बोल हाथा लेके छोड़ देंगे तेरे, हाथा दोनों काट डालेंगे। अरे मैं आया तो एक ही जगह से। कहाँ से? किले से ही। कहाँ से? किले से ही। कौन लाया था पकड़ के? पकड़ के नहीं, हाँ बैतुल खाने से आ गया मैं। वहीं उधर बाहर खेल रही थी लड़की। हाँ क्यों आया था? वजह? मैं मामूली खबीस नहीं हूँ। अच्छा मैं जादूगर खबीस हूँ। अच्छा समझ में आई बात आपको? हाँ शैतान आप मेरे को शैतानों में जादू करने वाला जादूगर शैतान खबीस हूँ मैं, बन गया हूँ खबीस। तो जमाने का खबीस जादूगर हूँ मैं। कब का है? कौन सा दौर था तेरा? मेरा 1000वीं सदी साल का है। कौन से दौर का? गंदगी गए। कितनी उम्र है तेरी? उम्र कितनी है? 1500 साल। लोगों को ऐसा परेशान करता रहे। हाँ कमीने, उन्होंने बता लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गलती कुछ भी नहीं है इसमें, मैं तो अपना मकान ढूंढ लिया। क्यों ढूंढा? क्योंकि मुझे पसंद आ गई। वैसा कैसा पसंद आती थी? बाबा का राज चल रहा क्या किसके भी? मेरी नजर वैसी है। फोड़ दूं तेरे आँखें दोनों। नजरा मार रहा लोगों के ऊपर, फोड़ू आँखें तेरे। 8 साल की बच्ची है, वहाँ बोल रहा शादी हो गई, बच्चे हुए 2, एक बच्चा हो गया। अरे क्या कर रहा था तू अभी तक उसको? हाँ इन सब बातों से क्या मतलब आपको? हटाइए ना हमारे को, हटाइए, काट के भस्म कर दो। अभी तो तकलीफ तो मुझको नहीं होगी, बहुत होने वाली है तुझे। मेरे को नहीं होती, सिर्फ इसके सिवा इसको होती तकलीफ, मुझको नहीं होती। वैसा कोई कर सका ही नहीं मेरे को जो मुझे तकलीफ दे सकेगा। ऐसा मैं इसकी औलाद को भी दफन कर देता हूँ, पूरा खराब बर्बादी में ले जाता हूँ, पूरे इनके घर को बर्बादी में ले जाता हूँ, सबको बर्बादी के रास्ते पे ले जाता हूँ मैं। क्यों ले जाता? और इनकी बच्ची पे भी नजर है मेरी। कौन सी बच्ची पे? जो मासूम बच्ची है ना, उनको भी नहीं बच सकता मैं। कहे के वास्ते? इतना गंदा हूँ मैं। क्या करता उसको तू? मेरी मर्जी ऐसा करता मैं। कर रहा भी पहचान सकते हैं आप? हाँ सब मालूम है मुझे। मालूम है? फिर बोलो ना, मैं बोला तो कहीं को देख रहे हैं। फिर मैं बोला तो लोग यकीन नहीं मानेंगे ना, तू बोला तो यकीन मानेंगे लोग। हाँ तो बच्ची बड़ी होने का रास्ता देख रहा तू। दूसरा घर ढूंढ रहा, फिर ये घर चले गए तो कैसा मेरा। दूसरा आशिया ढूंढ रहा मैं। शादियां करा कितने करा? मैं मालूम है आपको बहुत करम, मैं किसी को सुकून से नहीं रहने दिया, मिलके रहने की कोशिश इलाजा करा ले के मिलके रह सके, मगर औलाद के ना हो सके। बच्चे हुए देखो आज तक हो रहे कमीने, कितने बच्चे थे तेको, लोगों के बच्चों को परेशान कर रहा वैसा तो बंजोटे। मेरा खानदान कबीला पूरा नीचे ही है। कहाँ पे है? वहाँ पे ठेले में, आपको नहीं मालूम? आप सो जाओ दिख जाता सब कुछ, रिकर में बैठ जाओ दिख लेता आपको, दिख जाता सब कुछ। कहाँ पर है? ठेले में है। ठेले में क्या कर रहे तुम लोग? खजाना कबीला है, खजाने पे। हाँ खजाना है क्या वहाँ पे? हाँ। कहाँ पे है खजाना? है वहाँ पे किले में। कहाँ पर है? नहीं बोलूंगा मैं। इनके घर में है वहाँ पे? इनके घर में नहीं, नहीं है इनके घर में, इन है तो बाजू घर में है, किले में है जी। कितना रखे वाला है? पाव किलो, आधा किलो? अरे क्या पहचानते तुम? देगा से भरो है, भरो वाला है, मैं देने वाला नहीं दे सकता मैं, मुझे जो पसंद आए उसको ही देता हूँ मैं। हाँ अरे हमारा गरज नहीं रहे किसका लेने की, अल्लाह का दिया है हमारा सब। तो वैसी बोलते ऊपर से, तेरे जैसे भिखारी से लेके क्या करेंगे हम? तो वैसी बोलते ऊपर से तो ओके। क्यों? हाँ क्यों रह रहा है इस पे खजाने छोड़ के आके? अरे चोटे मेरा टाइम वक्त रहता, मैं आता रहता जाते रहता, मैं आता रहता जाते रहता। काहे के वास्ते? तेरा खजाना ली थी क्या इन्होंने आके? वहाँ खोदी थी तेरे किले में इन्होंने आके? खजाना है तो खजाना क्या लेगी? हाँ फिर तू क्यों आया उसके ऊपर? जुमेरात जुम्मा हफ्ता कभी खराब हो गई। क्या करता रहे जुमेरात जुम्मा हफ्ते को? हाँ मैं बैठ जाता आगे, परेशान करता। क्यों तेरी बीबी है उन्हें हराम के कमीने? थी बीबी बन गई थी तो तलाक दिला दिया ना दस्तगीर। तूने उससे क्यों कराया तलाक बच्ची का? क्योंकि दिल का, इसका दिल का अच्छा है, पक्का है, सच्ची है दिल की। 40 दिन छिल्ला बैठे थे ना आगे, तो इनका तलाक करा दिया। उम्रा जो दस्तगीर के महीने में वलियों का उम्रा होता ना, तभी इनका उकला हो गया। तो हो बदतमीजी से बाहर नहीं आता ना मैं। क्यों रे खजाने वाले भिखारी, जा रहा क्यों नहीं तेरे खजाने पे? हाँ खजाने के चौकीदार, यहाँ वहाँ जाके चौकीदारी करते बैठ। देखो ऐसे बेकार बातें मत करो, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। भिखारी बता तेरी कितनी ताकत है? तो समझ में आया? खजाने के चोट्टे चुरा के किसका ला के जमा करके रखा वहाँ पे? हाँ अरे लाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ, जकड़ो उसको अंदर से तेजी से। जबान ऊपर लग लेती है। जलाओ उसके पेट में से अंदर से आग लगाओ, तेज जकड़ लो उसको। ये उसको बोलना ये बदल के मंगाओ पूरा सेटा हूँ सब, जकड़ लो उसको और तेजी से। बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा, बोल जोर से। जाता नहीं जाता? आग लगा दो उसके अंदर से तेजी से। कब मार के ले जाने वाला था साथ में? आ? उसको साथ में जान से मार के कब ले जाने वाला था? दस्तगीर के महीने के बाद मार देने वाला था। कैसा मारने वाला था? सांस से। हाँ? दिल से। दिल की बीमारी डाल के? दिल रुका के। क्या करके? दिल रुका के। दिल को मत दे। कहाँ ले जाने वाला था उसको? हमारी इलाके में। क्या करता था हमारी जाके? हमारे महीने में छोड़ देते इलाकों में। हाँ? हमारे इलाकों में छोड़ देते। क्या करता था हमारी जाके? साथ में ले जाके रखता था। हाँ? देखा ना मैं कितनी औकात तेजी से देखा कि बताऊं अभी और लगाऊं तेजी से आँख। हाँ ये कितने ये थे उसको बना पूरे चेंज करा के लाओ ना जिसके उसको। हाँ उसके दुकान मालिक मुझे बिल्कुल ले जाके पूरे उसे बेकार दिया मुझे भाई। हाँ चल रहे बोल क्या करना तेरे साथ आप टुकड़े करेंगे तेजी से। आग लगाओ उसके अंदर जकड़ लो उसको और लगाओ बिस्मिल्लाह। कितने मारा इंसानों को। जादूगर शैतान है रे, जादूगर जिन्नात है तू। हाँ जिन्नातों में का जादूगर जिन्नात है। जिन्नात की नस्ल से, खबीस के नस्ल से। हाँ शोर से किसकी नस्ल से? कितने इंसानों को मारा अभी तक। हाँ कितने? 440 कितने? खाली 4। हाँ किस किस को मारा नाम? हाँ इनके खानदान में मारा इस बच्ची के। हाँ किन को मारा? किनको नाम? जमीला इलाका है लोगो। कौन कौन थे वो? मेरा इलाका जिनका है लोगो। हिंदू थे, मुसलमान थे? मैं हराम हूँ। मैं हराम। अच्छा हराम मौत मारा सबको। हाँ उसमें हिंदुआ कितने थे, मुसलमान कितने थे? सभी हिंदू थे। हिसाब नहीं है वो जमाने का हूँ मैं। अच्छा बहुत बेगिनती लोगों को मार दिया। क्या करना आप तेरे साथ सुलभ बोल। अब कर दूं टुकड़े? करा दूं टुकड़े? हाँ हो रहे ऐसा बोलता था। अरे वो लोगों के पास शक्ति नहीं होंगी बोल के बोल रहा था। अब यहाँ देखा कैसी शक्ति है, तो ताकत कैसी दिया अल्लाह ने। बोल तो 8 साल की उम्र से बोल रहा हूँ मैं उसके ऊपर। जब 8 साल की उम्र बोला फिर शादी से घर से आते। अरे सही से बोल कब से? हाँ बचपन से हूँ भाई। सही से बोल, खुद ब खुद आया था जादू से आया था। देखा तुम्हें देखो मैं दरगाह शरीफ में बोले तुम्हारे वली का मारता हुआ है तुम्हारे को। मैं सामने बोले तो बात झूठी नहीं हो सकती। वली के सामने बोले तो बात झूठी नहीं हो सकती। सही सही बोला। बोल कब आया था तू बच्ची के आंख में? सही से बोल। बचपन से आ गया। अच्छा खुद ब खुद आया था जादू से भेजे थे? जादू से नहीं भेजे थे, मैं खुद ब खुद आ गया। खेल रही तो बच्ची बकरी वासन बकरी के दरिया। अच्छा और फिर इसके पेट में जो दवा अटकी आई वो कौन डाला था? हाँ वो कहाँ से आई? नहीं मालूम वो कौन डाले तो मुझको नहीं मालूम वो कौन डाले तो। इसके बहुत सारे दुश्मन है, इसके बहुत सारे दुश्मन है। इनका वसीला वलियों के बराबर है। बहुत मुसीबत पड़ी है बच्ची। अल्लाह मौत नहीं दे सकता इसका। मासूम है इसके जान को क्या करो, अपने छोड़ के नक को छोड़ो अब। बोल अब छोड़ना कि नहीं छोड़ना, तू इसकी आजादी छीना, अपनी आजादी छीनो भाई। हाँ मेरे को जला देना बगे बोला, मेरे को जान में छोड़िए रे फिर से आ जाता मैं बगे बोला। कितना भी झूठ बोलेगा मेरे सामने, दाल गलती नहीं मेरे सामने, सब मैं पहले से मालूम पड़ता, सब सही सही बोलना पड़ता है। दवा कौन डाला था उसके पेट में और कितने साल पहले डाले थे? बोल मैं तो काट देता हूँ, देख पूरा काट देता हूँ, कमी नहीं। हाँ कौन डाले थे वो? उसकी ननद डाली थी। इसका मरद इसका दुश्मन है, दुश्मन है इसका मरद इसका दुश्मन। कौन डाली थी? उसका नाम उसकी आपा डाली है। क्या नाम? रजिया। क्यों डाली? रजिया उसको बिछाना चाहती है, उसकी जगह पे से भगा दिया। उनने बसेरा किया था, अरबी भाषा में बसेरा किया था, बच्चों को अरबिया पढ़ाने के लिए। और कितने शैतान है इसके ऊपर, अलग 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 से थोड़े थे चले गए, ये दो नहीं हट रहे हैं। और कौन है तेरे साथ में? और कोई भी नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन तो इसका हमारा नहीं है। क्यों है ये मजारा देख रहा है वो? इसका कोई हुजूर, इसकी हुजूर कुछ भी नहीं है, इसको गुमान है इसके ऊपर, इसको इसका शक, इसकी जान ले लेगा, जान ले लेगा, जान ले लेगा इसकी, उसका गुमान इसकी जान ले लेगा, जान ले लेगा, उसका गुमान इसकी जान ले लेगा। वो गंदगी करता है, इस पे थोपता है, ये गंदगी कर शरीर में बीन बीन के नस नस में सब मार दूंगा, सब निकाल के फेंक दो, मैं जला के आग लगा दूंगा तेरे अंदर। मेरा हुजूर नहीं है, मेरा हुजूर कुछ भी नहीं है, मेरा हुजूर कुछ भी नहीं है। फिर क्यों कौन डाला था तुझे, किसका कसूर है वो? जो डाला अल्लाह का कसूर है। सबसे पहले 8 साल की उम्र की थी उन्हें, तो जब कौन लाया था उसको? वो मैं था, लेकिन मैं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं तू आया कैसा? तू 8 साल की उम्र में जब तू आया तो खुद ब खुद तो नहीं आ सकता, तू तुझे कोई लाके छोड़ा था, कौन लाकर छोड़ा था, क्या वजह थी, क्या मसला है? नहीं वहाँ हमारा कबीला था, हाँ। बैतुलखाना था, हाँ। तो ये खेल रही थी बाहर, हाँ। सब लड़कियाँ मिल के, हाँ। तो छोटी थी तो मैं असर मगरी के दरमियान बाहर निकला था, हाँ। तो मैं पैर से चढ़ के आ गया था, लेकिन मैंने कुछ नुकसान नहीं किया है, कभी भी कोई नुकसान नहीं किया है। तो दूसरे और कितने शैतान है उसके ऊपर, सही से बोला कौन कौन से वारों की किधर किधर से आ रहे हो? मैं शैतान नहीं है, मैं अकेला ही शैतान हूँ। वो खाली वो जादू है उसके ऊपर, वो मैंने नहीं दी है, वो उसके लोगों ने दिए है, जो गलत जगह दे दी है इन लोगों ने। तो मेरा क्या हुजूर है? मेरा कुछ भी हुजूर नहीं है, मेरा कुछ भी हुजूर नहीं है। क्या कर रहा था उसको? अपनी बीवी समझ के रख रहा था तू? जी हाँ। क्या करता था? मेरी बीवी समझ के मैं इसको रात-रात सोने नहीं देता, उसके ख्वाबों ख्यालों में मैं ही रहता हूँ, रात-रात नींद नहीं जाती, वो सिर्फ आँख मूंदती है, लेकिन मैं लेके जाता हूँ उसको। और छोटी बच्ची बड़ी होने के बाद उसको क्या करना था? इसको छोड़ के उसको पकड़ने आना था। उस पे भी मैं मेरा हुक्म चलाता हूँ, जैसा इसका हिस्सा वैसा उसका ही होगा। इसके शरीर में खून गिरा था, इसीलिए तो मैंने इसने मरवालियों की मदद ली है। कोई हाफिज इसका मदद नहीं करता, सब पैसे लेके बस थोड़े दिन के लिए करते गुजारते, फिर वैसा मार हो जा रहा था, तो इसने अपने वलियों की मदद ले ली है, तो इसको बशारत हो गई है। फोन पी रहा था तू? फोन नहीं पीता मैं, तकलीफ देता हूँ। तकलीफ दे रहा था, उसको मार के क्या उसे शादी करके ले जाने वाला था साथ में? नहीं जान नहीं ले सकता ना, अल्लाह का हुक्म हो ना वो, मगर अल्लाह के दाने में झुक भी नहीं सकता ना। लेकिन मैं इसको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको, इसीलिए तो। लेकिन इसका और इसका दुश्मन है, बराबर है इसका दुश्मन। ये अपनी जान छिड़क दिया है उसके लोग उस पर, लेकिन वो दुश्मन की तरह देखता है इसको। ये अपनी खराब नजर से देखती है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अपना अपना खजाना छोड़ के इंसानों की दुनिया में क्या कर रहा है? मैं वहाँ पे ही रहता हूँ, वहाँ पे ही रहता हूँ मैं, खजाने की हिफाजत में। मेरा कबीला छोड़ के मैं नहीं जा सकता। कितने देखा गड़े आले वहाँ पे? मेरा कबीला छोड़ के मैं नहीं जा सकता। वहाँ खजाने की कितने देख गड़े आले है? चार है। कितने कुंटल के वो है? एक एक किंटे का दो है, आधे किंटे के दो है। कितने हो रहे? 3 कुंटल हो रहा टोटल। क्या है हीरे है अशरफ? क्या है खजाना है पूरा तेरा खजाना। तेरा सभी छोड़ो, हम किले से बाहर चले गए ना। ये लोग यहाँ रहते थे पहले किले में, वहाँ था क्या गड़ियाला? हो रे उनके बाजू में लोग का घर था, उनके बाजू में लोग का घर था। किन के बाजू में? उनके बाजू में खजाने के। जी खजाना बाजू घर में था कि बाजू के रोड पे था? रोड पे नहीं था, घर में था। कितना नीचे था डोंगा? कितना करना पड़ता था उसको? वो था कितना? कम से कम 100 फीट अंदर है। बॉडी बना के रखी थी क्या? और क्या सुरंग है वहाँ पे? क्या है? सुरंग नहीं है। हाँ। हमारा कबीला है वो नीचे। तो तुम अपना अपना हिफाजत के खजाने के छोड़ के काम आ, या लोगों के आंगनों में घुस के ऐसा कहीं को कर रहा तमाशे? कमीने नालायक। हाँ ठीक है, इसको डालो, इसको संजरा, उसको बंद के डालो। इसको क्या है पूरा जला के राख करने की कार्रवाई करेंगे। ऐसा जाता नहीं, ये सब समझ में आ गया नहीं मेरे दास्तानी क्या चल रहा क्या नहीं। ये ऐसा कहीं लगे वाला ऐसा परेशान नहीं कर सकता। कई बार इससे पहले भी जाने के वादे कराऊंगा उन्हें और गया नहीं, बरोबर। तो ये खिला के छोड़े वाला है, कितने भी झूठे वादा कर, कितने मनमाने इसके चलने देता नहीं। इसको पूरा जला के राख करेंगे, तरीके से सब अमल करो, लकरम सब राइट करा दो। ठीक है, जकड़ लो इसको, जंजीरा डाल के बन के डालो इसको तेजी से। क्या नाम है? नसरीन। ये नसरीन भी और नसरीन भी पानी पियो। ये ऐसा बोल रहा है, एक कैमरा से ऐसा बोल रहा है ये कि कहीं से आया लगा, मगर वो सब अलग अलग वार है, अलग अलग दास्तान है, अलग अलग नजर आए। सब जितनी दास्तान है वो एक तो नहीं है, वो ये एक ही अलग है। पेट में की दवा अलग है और भी बहुत सारी बातें हैं। खैर वो इंशाल्लाह उसको उसके तरीके से निकाल के चलाना पड़ता है। ये कहीं का लगे वाला ही ऐसा बोल रहा, मगर लगे वाला होता था तो उन्हें चले जाता था इज्जत से। नहीं जा रहा ना, इससे पहले कितने बार बोला जा रहा बोल के बहुत जगह में हर जगह दिखाया, हर जगह। तो ये जो फिर रहा पूरे आम से, तो ये जो रहता तो ये खिला के करके छोड़े वाला पता उठा के ला ऐसा क्या बोलते, तो लगे वालों की दास्तान लग रही थी, ये लग रही थी। और इस वास्ते ही बोलते हैं कि जब कोई भी खिला रहा या कोई भी जादू टोना कर रहा, पहले से अगर इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रहेंगे तो फिर ऐसा कुछ चल नहीं सकता। और बाद में अगर तुम चलने के बाद इबादत करने की तरफ दौड़ेंगे तो फिर शैतान तुम्हें वहाँ तक जाने देते नहीं, इबादत के रास्ते पर। वहाँ जाने से पहले बेचैन करके लिबास ला लेते, वो बोलते भी वो खुद। और ये आना जाना है, जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, 11 अरब जाके उधर दूसरा पार्ट जोड़ता उसका, जहाँ पर शमशान जहाँ पर भी गड़ियाली की रहती उसकी वहाँ जाके छुप जाता, फिर आता चलते रहता हूँ। और वो अंदर की जो दवा थी मखनातीस लोहे को कैसा खींचता लोग चिमक वैसा वो दवा खींच के बुलाती, आता जाता रहता परेशान करता। और क्या क्या दास्तानी है, क्या क्या हरकतें करता वो सब देख लिया हमने, सब मालूम है, मगर मैं उतना खुल के नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये इसके बाद में वो बच्ची बड़ी होने का रास्ता देख रहा, फिर उसके ऊपर हमला करेगा। इसका मतलब कि वो फिर तो खुली सी बात है कि खुद ब खुद तो आए वाला नहीं है। बच्चे को उन्हें उसकी बीवी कैसी रहती वैसा बना के रखूँ रहा हूँ, अभी ऐसा बोला उन्होंने। और छोटी बच्ची की तरफ भी उसकी नीयत है ऐसा बोल रहा था वो पहले, वो तुम्हें सब दास्तान मालूम, मगर मेरे मुझे क्या बोलूँ, मतलब खुल के बातें नहीं बता सकता। तो वो सब बहुत सारे बातें हैं। खैर अब जैसे मैं तुम लोग बताऊँ कहीं दुआ अल्लाह ने मोमिन के लिए हथियार बना के रखे हैं। तो ये सब चीज़ों के आते दुआ मोमिन के लिए हथियार है। क्यों बोले अल्लाह? तो वो ये चीज़ों से लड़ने के लिए हथियार है, दुनियाई और ये दूसरी दुनियाई, ये सारे आफतों से महफूज रखते दुआएं। इसलिए दुआ याद करना, हर चीज़ की, खाने की दुआ, बाहर जाने की दुआ, घर में आने की दुआ, हर चीज़ की जब तुम्हारे जबान पर दुआ रहेगी। और ये ज़माने में तो इतनी फैसिलिटी हो गई तुम्हारे को कि तुम्हारे 4G मोबाइल है, तुम्हारे हाथ में 5G 4G, उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, इंटरनेट में दुनिया की हर चीज़ है। जो भी दुआ तुम्हारे याद करने का, अरे तुम स्पीकर में उसके बोलो, सामने हाजिर हो जाती, फिर वो देख देख के दुआ याद करो। 10 से 20 बार 50 बार 100 बार एक दुआ को रटो, तुम याद हो जाती तुम्हारे। मतलब ज़रूरी नहीं हिंदू मुसलमानी दुआ याद करना, हिंदुआ भी कर सकते, सबके वास्ते अल्लाह का कलाम, दुआएँ याद है, सब वो है मोमिन के लिए हथियार बना, मोमिन के लिए और इंसानियत के लिए भी। रहमतुल्लिल्लाह इस मुसलमानों की नबी नहीं है, सबके नबी है। इस वास्ते तुम लोग भी पढ़ना और याद करना सब दुआएं, तुम्हारे भी जाना बचेंगे, तुम्हारे भी महफूज रहेंगे। मुसलमान महफूज रहेंगे, हिंदू का हिंदू महफूज नहीं रहेंगे, क्रिश्चन महफूज नहीं रहेंगे, दलित महफूज नहीं रहेंगे, तुम्हारे उसका सिख महफूज नहीं रहेंगे। ये गलत है ना, सभी पढ़ सकते, सबके वास्ते ये आयातों को दुआओं को अल्लाह ने हिफाजत के वास्ते बना के उतारा। पढ़ो, तुमको उसके हैरत अंगेज वाक़िए, हैरत अंगेज उसके फायदे नजर आएंगे और तुम सब महफूज रहेंगे उससे। तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारी पूरी घराना महफूज रहेगा। फैमिली के जितने मेम्बर होते हैं उसमें से अगर एक पे कुछ परेशानी आ गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बाप माँ बहन भैया कोई सुकून से खा नहीं सकते, रह नहीं सकते, सबका दिमाग उसमें हो जाता है डिप्रेशन के अंदर, परेशान। तो कब अच्छा करेंगे, कैसा कैसा। जब तुम पहले से जो महफूज रहेंगे तो फिर कई क्या बोलते सब सुख में रहेंगे और सब खुशहाल रहेंगे। इसलिए सब याद कर करना, सबके लिए दुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मुसलमान हर जो भी सुन रहा जात वाला पढ़ सकता, दुआ की बरकत हासिल कर सकता, पढ़ो, उसके फायदे हासिल करो। हम देखेंगे जब पढ़ने के घर को जाके याद करना, वो भी याद दिलाऊंगा यहाँ बैठ के मैं तुम्हारा इधर यहाँ कैमरे में बोल रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ, पूरी दुनिया को सब चीज के याद करना ना। खाना खाने के, चलने के, फिरने के, उठने के, बैठने के, हर चीज के याद करने का मिसाल बता रहा हूँ मैं। उधर से आवाज दे तो जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ समझ गए, कहने सुनने ज्यादा अमल करने नहीं, वो ऐसा थोड़ी निकलता। अभी थोड़ी गया उन्हें जाया बोले तो उसको आता थोड़ी देर के बाद बाहर जाने पर उसको जला के राख करना पड़ेगा उसके तरीके से। मैं लिखा के दूंगा, दुकान से जाके लेकर आना, पढ़ के दूंगा, पढ़ के पूरा घर को ले जाना, घर पे ले जाकर घर पे अमल करना। जैसा मैं बताऊंगा जैसे जैसा अमल चलेगा उससे ऑटोमेटिक उल्टियाँ होंगे, ऑटोमेटिक मोशन लगेगी तो अमल करेंगे। पहले राउंड में आधे ज्यादा फर्क होगा, दूसरे राउंड में ऑटोमेटिक उल्टिया और मोशन लग जाएंगे, तीसरे राउंड तक उसको रफा दफा इंशाल्लाह करने का पूरा कोशिश। ठीक है।